अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जी चिकन चीज़ बॉल्स की, जो कि बहुत ही चीज़ी होने वाली है, बहुत ही डिलीशियस रेडी होंगी और जो है वो बहुत क्रिस्पी होंगी। तो चलिए कर लेते हैं जी रेसिपी को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट। सो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ले लेंगे जी बॉल, उसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉयल चिकन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं जी एक पाव। इसको बॉयल करने के बाद जो है वो हमने श्रेड कर लिया। उसके बाद ऐड करेंगे जी हाफ कप जो है वो कैप्सिकम, बिल्कुल बारीक चॉप है ये। उसके बाद ऐड करेंगे जी प्याज, हाफ कप प्याज हैं, इनको जो है वो हमने स्लाइस कट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ऐड करेंगे जी मोज़रेला चीज़, एक कप के करीब ये चीज़ है। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने चीज़ भी ऐड कर दी है। उसके बाद ऐड करेंगे जी ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन जो है वो एक टीस्पून के करीब। उसके बाद ऐड करेंगे जी मायोनीज, 4 टेबलस्पून के करीब। मायोनीज की जो है वो क्वांटिटी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है ये क्रीमी हो जाता है और फिर अच्छी नहीं लगती हमारी बॉल्स। उसके बाद ऐड करेंगे जी चिली फ्लेक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं जी 1.5 टीस्पून, ये चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून सॉल्ट और जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। ये आप सब लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी सी जो है वो हमने फिलिंग रेडी कर लेनी है। और जो है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने कॉलीग्स फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है वो हमने थोड़ी सी मेयोनीज़ और ऐड की है ताकि जो है वो फिलिंग थोड़ी सी जो है थोड़ी सी क्रीमी हो सके, बिल्कुल भी ज़्यादा रूखी ना। उसके बाद हमने ब्रेड्स ले लेने हैं, उनके जो है वो किनारे कट कर लेने हैं। उसके बाद जो है वो हमने इनको पानी के अंदर जो है ब्रेड के स्लाइस को पोर करना है, उसमें पानी सारा जो है वो एक बार पोर करने के बाद मूव कर देना है। ब्रेड के स्लाइस पर जो है वो हम फिलिंग रखेंगे, उसके बाद जो है इस तरह से इसको बाइंड कर देंगे जी बॉल की शेप में, बिल्कुल भी जो है वो आपका ब्रेड नहीं टूटेगा। उसके बाद जो है हमने इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है वो ये आप सब लोग देख सकते हैं इस तरह से ये हो जाएंगे। हमने ऑयल को अच्छे तरीके से कर लेना है गरम, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम एक एक करके जो है इनको कोट करके फिर से एक बार सेकंड कोट करके जो है वो ब्रेड क्रम्स को इनको जो है वो हम फ्राई कर देंगे। ये आप सब लोग देख सकते हैं अभी जो है वो हम लोग सेकंड कोट कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग फ्राई कर देंगे, बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे ये। आप सब लोग देख लीजिए और जो ब्रेड के किनारे हैं वो आप पेस्ट नहीं करिएगा, उनके जो है वो आप ट्राई करके जो है वो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं घर पे इजीली। ये आप सब लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है वो हमें इनको फ्राई कर लेना है, फ्लिप करते रहना है। ये देख लीजिए इनका जो है हमने गोल्डन सा कलर ले आना है इन पे, ये आप कलर चेक कर सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। इस तरह का जो है वो आपके ब्रेड बॉल्स का जो है वो कलर आना चाहिए। सो ये आप सब लोग देख सकते हैं जी, ये हैं जी हमारी ब्रेड बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल्स जो कि बहुत ही चीज़ी हैं, बहुत ही डिलीशियस हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो है वो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, उसको मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को कैसी लगी। तो जी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।